आज का सफ़र शुरू होता है NH5 डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, जहाँ पर सतलुज रिवर के लेफ्ट बैंक पर सिचुएटेड है मूरंग विलेज। द डिस्टेंस बिटवीन मूरंग एंड रिकोंगपियो इज अबाउट 39 किलोमीटर्स वाया NH5। और मूरंग विलेज का ये ब्रिज कनेक्टिंग द मूरंग विलेज टू द NH5। मूरंग से गुजरते हुए हमें दिखाई देगा मूरंग फोर्ट, पांडवों का किला। यहाँ पर भी मैंने पहले विजिट किया है, तो वीडियो बनाई है किले की, तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मूरंग से 9 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है ठंगी गांव, तो सबसे पहले हम ठंगी गांव पहुँचेंगे और उसके बाद आएगा लंबर गांव और लास्ट में ट्विन विलेज कुनू एंड चारंग। This road leads to the last village along the Indo-China border, that is Charang village, and हम जा रहे हैं Charang village. Charang is a small village in Pu Tehsil in Kinnaur district of Himachal, and it is located 45 km towards east from district headquarters Rikongpio. And Charang is situated at a height of about 3400 meter above the sea level. थोड़ी देर रुकने के बाद हम चल पड़े हैं सफ़र की ओर और देखते हैं कितना दूर है चारंग विलेज। बीच में व्यू बहुत ही सुंदर है और ये रिवर है और इस रिवर के दोनों साइड ग्रीनरी, और फिर उसके बाद सबसे डेडलीस्ट पॉइंट बोल सकते हैं ये है काला डांग, क्योंकि यहाँ की मिट्टी जो है वो काली है और यहाँ पर मिट्टी के टीले जैसे बने हुए हैं रोड के दोनों साइड पर। द क्लाइमेट इज़ क्वाइट सिमिलर टू स्पीति और लेह लद्दाख, ऐसा लग रहा है जैसे हम स्पीति जा रहे हैं या लेह लद्दाख जा रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही व्यू दिख रहा है हमें। रिवर साइड व्यू है, तो रास्ते में बहुत सारे ब्रिजेस आए और एक ब्रिज पर रुकने पर हमें एक बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा देखने को मिला। पहाड़ों के बीच में बना हुआ एक छोटा सा मंदिर हमें दिखा है और ये है गोम्पा। ये हमारे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि ये जंगी के लामा जी सोमंग टुल्कू करग्युत तेंजिन जी का गोम्पा है। वो यहाँ पर ओकेजनली आते हैं पूजा पाठ के लिए। ये फ़िलहाल बंद था तो हम यहाँ पर जा नहीं पाए। देखिए कितना अमेजिंग है, पत्थरों के बीच में बना हुआ ये छोटा सा मंदिर बहुत ही डिफरेंट लग रहा है। चल पड़े हैं हम दोबारा सफ़र पर और अभी हमें पता नहीं है कि हमने कितनी दूर जाना है, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी मुझे बीच में कहीं भी माइलस्टोन नहीं दिखा ताकि हम अंदाज़ा लगा सकें कि हम कितनी दूरी पर हैं और हमने कितना दूर जाना है। चारंग विलेज यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है, तो हम बस चलते जा रहे हैं। यहाँ पर रास्ते में बड़ी मुश्किल से एक ढाबा मिला है, सुशील ढाबा, और हम यहाँ रुके हैं। ये सामने है ढाबा। ढाबे से आगे का व्यू कुछ इस तरह है और इस घाटी को शुरतिंग घाटी कहते हैं। यहाँ जो इस एरिया का नाम है शुरतिंग घाटी है, तो यहाँ से हम फिर चल पड़े हैं चारंग विलेज के लिए। अभी कितनी डिस्टेंस पर है ये हमें अभी भी नहीं मालूम है। आखिरकार हम पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन चारंग विलेज और ये गांव का एंट्रेंस है।
और गांव के एंट्रेंस पर ही पहाड़ों से बहती हुई एक नदी आ रही है। इस नदी का नाम है जांगफो रिवर और यहीं तक का हमारा सफ़र है। तो आगे का वीडियो देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, ज़रूर देखिए, जहां पर हम दर्शन करेंगे वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री इन किन्नौर, दैट इज़ रांगरेक टुंगमा, लोकेटेड इन चारंग विलेज बिलो द रांगरेक माउंटेन रेंजेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, बाय बाय।